इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जिस तरह से इस बीमारी ने न सिर्फ शहर बलराम सूबे कर्नाटक हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को जो है अपनी चपेट में ले लिया था और लाखों लोगों की जान जो है इस बीमारी की वजह से चले गई। और जब बलराम में हालात बहुत संगीन हो गए, बहुत ज़्यादा खराब हो गए, तो ऐसा कोई दवाखाना या हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पर जो है मरीजों को रखने के लिए, मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह मिल सके। ऐसे नाजुक हालात में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम ने वो कदम उठाया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी सताइश की जाए वो कम है। और इन्हीं खिदमत को देखते हुए पिछले साल जो है राजोत्सव के मौके पर अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर अंजुमन को जो है अवार्ड से भी, किताब से भी नवाजा गया, उनके खिदमत को जो है सराहा गया कि किस तरह से उन्होंने अपने बेहतरीन खिदमत को अंजाम दिया। तमाम यहाँ पर जो भी बैठे हुए लोग हैं, टीम अंजुमन, डॉक्टर्स, नर्सेस, बाकी जो भी इस कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे थे, उन्होंने बड़े इखलास से, बड़े खलूस से अल्लाह को राजी करने के लिए और खिदमत खल के इरादे से इस काम को अंजाम दिया है।
मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके खिदमत को कबूल करे और सबको और हम सबको इसका जज़ा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अंजुमन लास्ट वन एंड हाफ ईयर से जो भी कर रही है कोविड के रिलेटेड के लिए एक रोल मॉडल की तरह उभर के आई, जिसको देख कर ना कि और इलाके बेलगाम में बल्कि बेलगाम से बाहर भी बहुत सारे कोविड रिलीफ के लिए वर्क जो है इस इदारे को देख के एक प्लेटफॉर्म के जरिए से देख कर लोगों ने स्टार्ट किया। डॉक्टर्स हु हैज वर्क्ड हार्ड शोल्डर टू शोल्डर विद अस इन सक्सेसफुली ट्रीटिंग ऑल द पेशेंट्स, राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल। इसी तरह हमारी ऑक्सीजन की टीम जो डे एंड नाइट काम कर रही थी, हमारी परचेज और प्रोक्योरमेंट की टीम, हमारी सोशल मीडिया की टीम, हमारी बैरियर की टीम, हमारी फूड और कैटरिंग की जो खाना हमारे पेशेंट्स को दिया जा रहा है, ये प्रोसेस में हमने ये देखा है कि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे थे बेलोस होके काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने कौम को बहुत सी मसाइल का सामना था, कदम कदम पर हमारी कौम के लिए मसाइल ही मसाइल थे। उस दौर में बहुत से अफराज व मकासद को सामने रखकर हमारे बुजुर्गों ने इस अंजुमन इस्लाम की बुनियाद रखी थी। यकीनन अंजुमन की एक तारीख है, हर दौर में अंजुमन इस्लाम ने कौम की रहनुमाई रहबरी और क़यादत की है, लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 साल से जिस अंदाज से अंजुमन ने अपनी भरपूर तवानाई सलाहियत और कुव्वत का इस्तेमाल किया है, जो वक्त की अहम ज़रूरत थी, मजहब और मिल्लत और कौम को उसकी ज़रूरत थी, और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उस मौके पर अंजुमन की क़यादत इन महफूज हाथों में जो अपने दिलों में कौम का दर्द भी रखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दर्द के साथ साथ मदावा और दवा की सलाहियत भी उन्हें दी है। गुज़श्ता हमने देखा कि चाहे NRCCA का मामला हो या गुज़श्ता कई बिलें मुस्लिम मुखालिफ हुकूमत के वक्त की तरफ से आई, जब जरूरत पड़ी अंजुमन ने बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को निभाई। पिछले मार्च 2020 से अगर वक्त को हम अभी ट्रेस करके उन लोगों की याद करते हैं जो हमारे बीच आए नहीं है, बहुत करीबी दोस्त हमारे, बहुत लोगों को हमने खोया है, तो बड़ा दुख होता है। फील वेरी सैड कि मे बी समथिंग कुड हैव बीन डन समथिंग बेटर। और आपके बीच खास करके जितने भी यहाँ खिदमतगार बैठे हैं, बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं आप जैसों के बीच में आज खड़ा होकर आपसे मैं बात करना, वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत फख्र होता है आप सबको देख करके कि एक एक जो ना सिर्फ आप, आपके घर के जो बड़े हैं, ये जो आपके भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, जिन्होंने आपको इनके बीच में भेजा, इजाज़त भी दी, रोका नहीं आपको कि जाओ खिदमत करो, अपनों को बचाने की कोशिश करो। तो प्रॉब्लम तो बहुत है। डॉक्टर नवीन साहब से मेरी मुलाकात हुआ करती थी और डर लगता था जब ये कहते थे कि हमें खुद को मालूम नहीं है कि क्या करना है। वी कैन ओनली ट्रायल एरर चल रहा है। फिर कुछ दवाइयाँ आई, थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, जो बहुत ही वल्नरेबल थे
कुछ वापस आए कुछ नहीं आए, और बीमारी का शिकार मैं भी था उसमें। आई ऑल्सो सफर्ड 17 डेज ऑफ सिकनेस। किए बुजुर्गों की दुआएं, आपके टाउन के रहबरों की रहबरी, उलमाओं के बयान और उनकी रहबरी, ये सब मिल करके आप जैसे मुसलमान जो पैदा किए हमारे बीच में हम सब की इबादत करने के लिए, उनको मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, उनके बारे में फख्र कर सकता हूँ। आई कैन नॉट प्रेज यू इनफ। मैं आपकी तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, ऐसे ही रहिए। अल्लाह आपसे हमेशा अच्छे काम ले, किस्मत वालों से ही लेता है, पहले आपको काबिल बनाता है फिर आपसे काम लेता है। तो यू आर द वन हु वाज चोजन टू सर्व एंड सक्सेसफुली ऑल्सो। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, और हम सबको आप बहुत बहुत मुबारक। कोई काम में सफलता नहीं मिलती, हमारे साथियों की सफलता इसलिए मिली है कि हमारे को डॉक्टर्स के एक टीम वर्क मिली, हमारे ऑक्सीजन की टीम मिली, हमारे बड़े अस्पताल की टीम मिली, मेडिकल प्रोक्योरमेंट के हमारे इम्तियाज भाई वगैरह रखते हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा होता है कि हम मेडिकल स्टोर संभाले, मेडिकल टीम करेंगे। और एक बार एक जुम्मा देते देते काम और सिलसिले में सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लाम की तरफ से। अभी जो अमेरिकन का जो आ रहा है उसके लिए हमने अभी तक सेंटर है वैसा रखा है, डिस्मेंटल नहीं किया है। सेंटर की बात आने में बीमारी वाले साहब वहाँ पर छुट्टी हुआ है, जब फैसला लिया गया कि सेंटर खोलना है तो दिन रात भी मैंने मेहनत करके 2-3 रोज पर सेंटर को तैयार किया, और ऐसे बेहतरीन तैयार किए कि जो भी आपके सेंटर देखता तो बोलता था ऐसे कि कर्नाटक में हमने ऐसे सेंटर नहीं देखा है। जो भी हमारे डॉक्टर्स की टीम को देखता है क्योंकि ऐसा था कि हमने ऐसे डॉक्टर की टीम नहीं देखी, ऐसे नर्सिंग स्टाफ नहीं देखा है, इतना क्लेंडलीनेस था, कोई शिकिल नहीं है। जो हमारे पास खाना खिला रहे हैं कपूर हुए हैं, हर पेशेंट को जाके खाना खिला देते हैं, सब खाना खिला सुबह में पदक पढ़ के आते थे, हमारे नेपाल में कपूर में खाने की कभी कभी नहीं हुई पेशेंट एवरी 3 वर्ष लेकर के और 3 वर्ष में वेरी दृष्टि में आई वॉन्ट टेक इट थैंक ऑल द डॉक्टर्स ऑल द नर्सिंग स्टाफ Thank you very much for being there with us and doing it there with you. हमने डॉक्टर नबी साहब से एक ही वादा किया था कि थोड़े परेशान थे डॉक्टर से, हम आते हैं उनसे इंटरव्यू करेंगे, हमारे मेम्बर्स आके इंटरव्यू करेंगे कि ये देखो वो देखो, तो हमने पहले ही हमें कहा था कि आपका काम आप कीजिए, वी डू नॉट वांट एनी मेंबर ऑफ द मेडिकल फील्ड, हमारा काम आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, और आपको जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।